पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। हालांकि फोर्डा की तरफ से हड़ताल वापस ली गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे अस्पतालों में और अलग अलग जो एजेंसियां हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, वो अभी भी हड़ताल पर हैं। हमारे डेलीगेशन ने, मैं भी उसका पार्ट था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और मैं खुद, हम जेपी नड्डा जी से भी मिले, उनसे भी हमने डिमांड की इस बारे में। आज हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है हमारे फ्रॉम जहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया वहाँ से लाल किले से उन्होंने ये कहा कि जो भी ये चीज़ें करते हैं उसका वो घोर विरोध करते हैं एंड ही हैज़ प्रॉमिस कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर करेंगे और हम इसका हल चाहते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ये चीज़ रिपीट ना हो। IMA इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएगी। IMA इसके लिए सेंट्रल एक्ट की बात कर रही है। IMA इसके लिए NMC में प्रोविजन्स चाहती है कि अस्पतालों में सेफ जोन बने। हमारे पास अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का है कि जो इंसिडेंस हुआ, हम लोग होपफुल थे कि नहीं ठीक है,
प्रूफ्स मिलेंगे और उसके लिए एक्शन होगा, और हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो कल रात में हुआ है, तो अब हम लोग का होप, जो होप भी था वो भी हम लोग लॉस कर दिए कि अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। तो जो इंसिडेंट सबके सामने है उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे रोज इंसिडेंसेस इमरजेंसी में होते रहते हैं। एसएसपी सर से हमने सारे कंप्लेंट की थी, अपनी मांगे भी रखी थी कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक हर जगह लेडी गार्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि लेडी गार्ड लोग अपना काम नहीं कर सकती हैं, परंतु यहाँ नहीं करती हैं, है ना। वो लोग जब भी कुछ भी हादसा होता है या फिर कुछ भैंसा भैंसी होती है, सबसे पहले वो लोग साइड चले जाती है। तो मरीजों को परेशानी हो रही है, कैसे उससे निजात पाएंगे मरीज घबरा रहे हैं, उस ओर कह रहे हैं कि दर्द है लेकिन इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं, ओपीडी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो एकदम आपने जेन्युइन बात कही है, परंतु बात यह है कि अगर हम अपनी मांगे नहीं रखेंगे, अब अगर हम लोग ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, एटलीस्ट नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो कि ओपीडी हो गया, टेस्ट सेंटर हो गया, ये सब अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारी बातें ऐसी भी नहीं सुनी जाती हैं। तो मजबूरी है ये हमारी, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। मरीज दूर से आते हैं, गरीब मरीज गांव से चंदा करके यहाँ पर ट्रक का बस का भाड़ा लेके आते हैं, उस हिसाब से वो लोग ओपीडी का इलाज नहीं करा पाते और यहाँ से चले जाते हैं। कल भी आंदोलन जारी, कल आंदोलन जारी रहेगा। रिम्स में वही मेन प्रॉब्लम वही है कि सेफ्टी के लिए गार्ड्स का जरूरत है जो कि कैपेबल हो, जैसा कि मैम ने कहा कि वो बहुत जरूरी है, स्पेशली नाइट ड्यूटीज के लिए जरूरी है। बैरिकेड्स नहीं है, बाउंड्रीज टूटे हुए कहीं कहीं से, तो बाहर के लोग भी अंदर आ जाते हैं।